भाजपा जमीन पर काम करके आगे बढ़ी। भाजपा गांव में, खेत खलिहानों में गरीबों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर तप करके आगे बढ़ी। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे मोदी जी अब सत्ता मिल गई, दो दो बार प्रधानमंत्री बन गए, अभी भी क्यों इतना दौड़ते रहते हो, क्यों भागते रहते हो, अरे कभी तो मौज करो, आराम करो। लेकिन उन लोगों को पता नहीं है बीजेपी कार्यकर्ता की नियति आराम करना, बैठना, मौज करना वो नहीं था। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारी स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच में, जिसमें हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच हमेशा ही सियासी जंग देखने को मिलती है, लेकिन ये सियासी जंग काफी गहरी हो चुकी है। वजह ना सिर्फ यहाँ पर है आगामी लोकसभा चुनाव, बल्कि यहाँ पर अब बड़ी वजह बन चुके हैं कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी। राहुल गांधी जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए मजबूत दावेदारी पेश की, उन्होंने दावेदारी इस तरह से पेश की कि वह पीएम पद की दावेदारी के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आए। लेकिन किसे मालूम था कि राहुल गांधी पीएम पद की दावेदारी के लिए खुद को आगे तक नहीं कर पाएंगे, उससे पहले ही वह अपनी सदस्यता गवा देंगे। जी हाँ, जानकारी दे दें कि साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में उन्होंने एक रैली में शामिल होने के बाद जनसभा को जिस तरह से संबोधित किया, वहां पर एक टिप्पणी भी की थी। टिप्पणी उन्होंने मोदी सरनेम पर की थी और यहां पर देखा जाए तो चोर बताते हुए वह नजर आए थे। तो अब देखा जाए यहाँ पर जिस तरीके से सियासत गर्माती हुई नजर आई थी, ये टिप्पणी की गई थी कर्नाटक में, लेकिन केस दर्ज हुआ इधर गुजरात में। जी हाँ, जानकारी दे दें कि बीजेपी के ही एक विधायक पुरेश जी, जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज की, और साल 2019 का वो मामला जिस पर अब फैसला आया, सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दे दिया। 2 साल तक की उन्हें सजा सुनाई गई और अब देखा जाए तो राहुल गांधी जमानत पर हैं। 30 दिनों का उन्हें वक्त दिया गया है जिससे कि यहां पर अहम फैसले वह ले सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ अब कांग्रेस पार्टी जल्द से जल्द रुख कर सकती है। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील की विदेशी सांसद रॉ खन्ना ने कि इस मामले में उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए। दूसरी ही तरफ कांग्रेस पार्टी से जो प्रवक्ता हैं जयराम रमेश, उनका साफ तौर पर कहना रहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से समय मांगा गया है, क्योंकि बैठकों में नेताओं का कहना रहा कि राष्ट्रपति जी से मुलाकात कीजिए या फिर उन्हें पत्र लिख दीजिए। अब देखा जाए यहाँ पर अभी इस मामले में हस्तक्षेप तो नहीं किया गया है, लेकिन इसी बीच यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के साथ साथ, ना सिर्फ राहुल गांधी बल्कि पूरे ही विपक्षी दलों पर निशाना साध दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं ये वीडियो। संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार किया जा रहा है, उन्हें बदनाम करने का अभियान छेड़ा जा रहा है, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता खत्म करने की साजिश की जा रही है। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है उन पर जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो एजेंसियों पर हमला किया जाता है, जब कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो कोर्ट पर सवाल उठाए जाते हैं, न्यायिक प्रणाली पर हमले होते हैं, आप सब देख रहे हैं। कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं, पूरा देश ये देख रहा है, देश समझ रहा है। साथियों, भ्रष्टाचार ने हमारे देश का बहुत नुकसान किया है, दीमक की तरह देश को खोखला किया है भ्रष्टाचार ने। देश की जनता देख रही है कि पहले की सरकारों ने किस तरह
भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूरी की थी, लेकिन पिछले 9 साल में भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चलाया उसने आज भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों दोनों की जड़ें हिला दी है। ये इस बात का प्रमाण है कि जब भाजपा आती है तो भ्रष्टाचार भागता है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। आज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत कांग्रेस की सरकार में यानी साल 2004 से 2014 के बीच 5000 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति जब्त की गई थी। 5000 करोड़। इसी एक्ट के तहत पिछले 9 वर्षों में भाजपा सरकार ने 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। इस एक्ट के तहत पहले के मुकाबले 2 गुने से ज्यादा केस रिकॉर्ड किए गए हैं और 15 गुना ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमारे यहां कुछ लोगों ने कांग्रेस शासन के दौरान बैंकों को जमकर के लूटा। बैंकों का करीब 22,000 करोड़ रुपए का नुकसान करके ये लोग विदेश भाग गए। आज भाजपा सरकार ने इन लोगों की करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करवा दी। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत पिछले 9 वर्षों में सीबीआई ने लगभग 5,000 केस दर्ज किए हैं। बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए सैकड़ों बड़े अधिकारियों को संविधान दिखाया, सरकार के नियम दिखाए और उनको जबरन रिटायर किया गया है, घर भेज दिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई चल की गई है। साथियों, आजादी के 7 दशकों में पहली बार भ्रष्टाचार पर इस तरह की चोट हो रही है। पूरे देश की जनता आज भ्रष्टाचारियों पर हो रही कार्यवाही से खुश है। आपकी यही जानकारी है ना? मैं जहां जाता हूं लोग यही कहते हैं, मोदी जी रुकना मत। आज हर देशवासी समझता है भ्रष्टाचार रुकेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। और जब हम इतना सारा करेंगे तो कुछ लोग तो नाराज होंगे ही होंगे। वो अपना गुस्सा भी निकालेंगे, लेकिन इनके झूठों आरोपों से न देश झुकेगा न भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई थमने वाली है। साथियों, आपको याद होगा कांग्रेस के नेता कभी कहा करते थे, जनसंघ के जमाने में,
बड़े बड़े नेता कहते थे जनसंघ को जड़ से उखाड़कर फेंक देंगे, ये उनके बड़े बड़े नेता बोलते थे जी। और आज की कांग्रेस कहती है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। जनसंघ को मिटाने की, भाजपा को मिटाने की अनेक बार साजिशें हुई, और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने मुझे भी जेल में डालने के लिए क्या क्या जाल नहीं बिछाई, लेकिन वो पूरी तरह नाकाम रहे। और हम बचे हैं, हम फले हैं, फूले हैं, तो जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, देशवासियों के प्यार से बढ़े। देशवासियों का अपार प्रेम, यही तो हमारी पूंजी है, यही हमें समर्थन देता है, यही हमें शक्ति देता है। देशवासियों के आशीर्वाद से हम आगे बढ़े हैं, बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। हम यहां से आगे बढ़ेंगे, वो भी देशवासियों के विश्वास से बढ़ने वाले हैं। साथियों, भाजपा ये वो पार्टी नहीं है जो अखबारों से, टीवी स्क्रीन की चमक से पैदा हुई हो। ये भाजपा ट्विटर हैंडलों और यूट्यूब के चैनलों से पैदा नहीं हुई है। ये भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के त्याग तपस्या से बनी हुई है। भाजपा जमीन पर काम करके आगे बढ़ी है। भाजपा गांव में, खेत खलिहानों में गरीबों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर तप करके आगे बढ़ी है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे मोदी जी, अब सत्ता मिल गई, दो दो बार प्रधानमंत्री बन गए, अभी भी क्यों इतना दौड़ते रहते हो, क्यों भागते रहते हो, अरे कभी तो मौज करो, आराम करो। लेकिन उन लोगों को पता नहीं है, बीजेपी कार्यकर्ता की नियति आराम करना, बैठना, मौज करना वो नहीं सकता। आपने सुना, आपने देखा कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहां पर जमकर गरजते हुए नजर आए। उनका पहला बयान सामने आया है, पहली प्रतिक्रिया सामने आई है कि यानी कि अब देखा जाए देश में जितना भी भ्रष्टाचार होगा उसे खत्म करने के लिए वह कुछ भी करेंगे, कार्यवाही चलती रहेंगी, आप चाहे कुछ भी कहते रहिए। अब देखा जाए तो राहुल गांधी उनकी इस चुनौती का कैसे सामना करते हैं, किस तरह से यहां पर सुप्रीम कोर्ट में वह याचिका दायर करेंगे जल्द से जल्द, क्योंकि दावे ये किए जा रहे हैं कि वरिष्ठ वकील राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंह भी अब जल्द से जल्द याचिका दायर करने वाले हैं। हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे ही मामले पर, इस पूरे ही सियासी जंग पर, या आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।